हाँ जी हाँ जी जय जिनेन्द्र सीमा भाभी जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं हाँ तृतीय अधिकार हमने कल स्टार्ट किया था उसके पांच हमने पढ़ लिए थे हम आज उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे पांच कल जो पढ़े थे ठीक है मैं पहले आप लोग भी अपने अपने इसमें पढ़िए देख के मैं इसको बड़ा कर देता हम्मे दर्शन लाभाप्त वाप्त संज्ञान राग द्वेष निवर्त चरण प्रतिपद्यते तेधु राग द्वेष निवटते निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः का पुरुषः सेवते नृपतीन् हिंसानतचौरेभ्यो मैथुन् सेवा परिग्रहाभ्यां च प्रा पापप्रणालिकाभ्यो विरतिसंज्ञस्य चारित्रम् सकलं विकलं चरणम् अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगना कल हमने पचास तक के किए थे है ना और इसमें हमने जान लिया था आचार्य श्री ने चारित्र के बारे में बताया कि चारित्र दो प्रकार का होता है सकल चारित्र और विकल चारित्र सकल चारित्र किसका होता है छठे गुणस्थान वर्ती मुनि महाराजों का सकल संयम होता है wizard, सकल चारित्र उसे कहते हैं और विकल चारित्र किसका होता है ग्रस्त जो होते हैं जो सागार होते हैं और अंगार कौन होते हैं मुनि महाराज आदि अंगार कहलाते हैं क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं ग्रह के त्यागी होते हैं उन्हें अंगारी कहते हैं और सागारी सागर थ होते हैं जो संघ के सहित होते परिग्रह के सहित होते हैं उन्हें ग्रस्त कहते हैं, जो परिग्रह से रहित होते हैं उन्हें मुनि महाराज जी कहते हैं परिग्रह के बारे में भी कल हमने जान लिया था पढ़ लिया था और चारित्र के बारे में आगे अब विकल चारित्र के भेद आज हम पढ़ेंगे कौन से कौन से भेद है विकल चारित्र के जो क्योंकि गृहस्थों के लिए है तो अभी गृहस्थों का पूरा बताएंगे इसमें हमने यही सब कुछ भी तत्व सूत्र में भी पढ़ा था है ना पांच अणुव्रत के बताए थे हमने पढ़े थे पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत चार शिक्षाव्रत और हमने सबके अतिचार भी पढ़े थे पूरे साठ अतिचार हमने पढ़े थे बारह व्रतों के पांच-पांच अतिचार अपन ने तत्वार सूत्र में सब पढ़े थे उसी का अभी रिवीजन नहीं है ये है ना तो आपको अगर वो याद होगा तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा ठीक है फिर से रिवीजन है हमारा वही चीज का तो विकल्प चरित्र के भेद क्रयणाम त्रेधातिष्ट यानों गुणों शिक्षा व्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रीचतुरभेदं त्रयं यथा संख्यमा ख्यातं फिर से देखिए ग्रहिणं त्रेधा तेष्ठत् यानों शिक्षा व्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रीचतुरभेदं त्रयं यथा संख्यमा ख्यातं ठीक है तो ग्रहिणं त्रेधा तिश्चत यण गुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत्री चतुर्भेदम यथा संख्य माख्यातम् ना, अब इसमें विकल चारित्र के भेद होता है विकल चारित्र मतलब से लेकर ग्यारह प्रतिमा तक के होते हैं उन्हें कहते हैं विकल चारित्र वाले और जो छठे गुणस्थान वर्ती होते हैं मुनि महाराज वो सकल चारित्र वाले तो ये पंचम गुणस्थानवर्ती विकल चारित्र के बारे में इसमें चर्चा की आचार्य सही क्या बताया उन्होंने ग्रहणाम ग्रहणाम मतलब जो गृहस्थ है उनका चारित्र कितने प्रकार का होता है उनका चारित्र कैसे होता है तो त्रेधा त्रेधा मतलब तीन प्रकार का तीन उसमें भेद होते हैं कौन से तीन भेद होते हैं तिस्ट मतलब कौन से भेद हैं उसमें अणु गुण और शिक्षा व्रत कौन से कौन से व्रत है अणुव्रत गुणव्रत ये व्रत तीनों के साथ में लगेगा जो व्रत है ना तो ये अणुव्रत गुणव्रत और शिक्षा व्रत हमने पढ़े हैं पांच अनुव्रत होते हैं तीन गुणव्रत होते हैं और चार शिक्षा व्रत होते हैं पांच अनुव्रत आपको बता दिए थे अहिंसाणुव्रत अहिंसा अहिंसाणुव्रत सत्याणु परिग्रह परमाणु परिग्रह उसका उल्टा जो है पांच पापों को त्याग कर दोगे तो पांच व्रत आ जाएंगे और पांच व्रत आप धारण कर लोगे तो उसमें अणु लगेगा क्योंकि अणु यानी हमारे स्थूल रूप से त्याग होता है सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं होता इसलिए हमारे अणुव्रत है छोटे व्रत है और महाव्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके महान व्रत होते हैं उनका संपूर्ण रूप से त्याग होता है हिंसा का झूठ का चोरी का कुशील का और संपूर्ण त्याग होता, इसलिए उनका महाव्रत होता महाव्रतियों का मुनि महाराज जी लोगों का और हमारे ग्रहस्तों के छोटे होते इसलिए इसका नाम अणु है और फिर उसके बाद में गुणव्रत ठीक है गुण यानी तीन गुणव्रत हमने पढ़े थे दिग्व्रत देशव्रत अन व्रत पढ़े थे ना आपको याद आ जाएगा अभी कि हमने पढ़ा था दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ व्रत इसके आगे में आप पूरे आपको बताऊंगी और शिक्षा व्रत भी हमने चार पढ़े थे कौन से कौन से चार शिक्षा व्रत पढ़े थे सामायिक प्रसोधोपवास भोगोभोग परिमाण और अतिथि संविभाग पढ़े थे याद आ गया होगा आप लोगों को सामायिक प्रोशोदोपवास अतिथि संविभाग और भोगो भोग परिमाण व्रत ठीक है तो ये चार हमने शिक्षा व्रत भी पढ़े थे तो ये चरणम चरणम मतलब ये चारित्र है ये चारित्र के भेद हैं जो कौन सा चारित्र विकल चारित्र के भेद कौन से कौन से अणुव्रत गुणव्रत और शिक्षा व्रत पंचुर्भेद मतलब इनके तीन भेद अभी मैंने बता दिया अणुव्रत के कितने पांच भेद हैं गुणव्रत के कितने तीन भेद हैं और चतुर्व्रत चतुर है? के चतुर्भेद किसके हैं शिक्षा व्रत के कितने हैं चार भेद हैं ठीक है तो पंचत्रि चतुर्भेदम त्रयम त्रयम मतलब ये तीनों यथा संख्य माख्यातम यथा मतलब जैसे के तैसे जैसे सीक्वेंस में है ना तो यही सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली हम बोलते यथा योग बोलते तो अनुव्रत के पांच गुणव्रत के तीन और शिक्षा व्रत के चार ये यथा संख्या जानना चाहिए तो ये आचार्य ने विकल चारित्र के भेद बता दिए ठीक है अनुव्रत नीचे देखिए आप इसमें भावार्थ में, में अणुव्रत गुणव्रत और शिक्षा व्रत ऐसे तीन भेद रूप यह विकल चारित्र होता है किसका होता है गृहस्थों का इनमें भी अणुव्रत के पांच गुणव्रत के तीन और शिक्षा व्रत के चार भेद ऐसे बारह भेद होते हैं कितने होगा टोटल मिला के बारह इनको जो पुरुष स्त्री पुरुष धारण करते हैं वे ही सच्चे श्रावक पद में चलने वाले होते हैं उन्हें ही सच्चे श्रावक कहते हैं जब तक हम इन व्रतों को धारण नहीं करेंगे हम श्रावक की कोटि में भी नहीं आएंगे सच्चे श्रावक किसको कहा जाएगा जो इन व्रतों को पालन करते हैं उन्हें सच्चे श्रावक कहते हैं मतलब जो प्रथमाधारी हो जाते है, दो है हैं दो प्रतिमा से लेके बारह व्रत आता ही दूसरी प्रतिमा में है ठीक है पहली प्रतिमा होती दर्शन प्रतिमा उसमें दर्शन प्रतिमा का नियम होता है कि हम दर्शन रोज करेंगे देव दर्शन के बिना नहीं खाएंगे हालांकि फॉलो पहली प्रतिमा प्रतिमा से ही ही कर लेते हैं लेकिन दूसरी का नाम बारह व्रत प्रतिमा कहलाता है उसी में आते हैं तो बारह व्रत सेकंड प्रतिमा से चालू हो जाते हैं तो जो सेकंड प्रतिमा ले लेता है दूसरी प्रतिमा धारण करता है उसे ये व्रत फॉलो करने पड़ते हैं और तभी वो सच्चा श्रावक कहलाता है श्रावक का फॉल फुल भी आपको मालूम है श्राम मतलब श्रद्धावान व मतलब विवेकवान और क यानी क्रियावान श्रा व है जो विवेकवान है जो और जो क्रियावान है उसे कहते हैं सच्चा श्रावक ठीक है <coughs> अब इसके बाद अब वो अनुव्रत कौन से पांच हैं उन पांच अनुव्रतों के बारे में बताया है ठीक है प्राणातिपात विवहारे काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापे भो विपुरमण मणुव्रतम भवती फिर से देखिए पातथ व्यवहारूर्थ पापे भो विपुरमण मणुव्रतम भवती इसमें तोड़ तोड़ के बता दू प्राणाति पात विवहारे काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपुरमण मनोव्रतम भवती अर्थात जो प्राणों का घात नहीं करते है ना उसे क्या कहते हैं अहिंसा व्रत अनुव्रत अहिंसा अनुव्रत अहिंसा अनुव्रत जिसमें प्राणों का विघात ना हो किसी भी जीवो के प्राणों का घात जो नहीं करते हैं उसे प्राणातिपात मतलब अहिंसा व्रत कहते हैं विथत मतलब झूठ नहीं बोलते हैं विथत मतलब झूठ नहीं बोलना व्यवहार व्यवहार मतलब मतलब बोलना विथत झूठ मतलब नहीं इससे यानी चोरी नहीं करना और काम यानी मैथुन सेवा नहीं होना चाहिए और मूर्छा परिग्रह मतलब मूर्छा परिग्रह आपने पढ़ा है मूर्छा मीन्स परिग्रह तो परिग्रह का भी परिमाण होना चाहिए और कैसा होना चाहिए स्तूलेभ्या कैसा होना चाहिए स्थूल रूप से त्याग होना चाहिए इनका इन पांचों पापों का पापेभ्यो मतलब स्थूल रूप से आपने पांच पापों का त्याग कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा ये विपुरमण मनुव्रतम भवती कौन सा व्रत कहलाएगा ये अनुव्रत कहलाते हैं को क्या कहलाएगा ये पांच अनुव्रत की इसमें परिभाषा दी है इस इस श्लोक में आचार्य ने पांच अणुव्रत की परिभाषा दी है प्राणातिपात मतलब किसी जीवों का प्रमाद के वश आपने पढ़ा था ना हमने उसमें अणुव्रत के अपने जब हिंसा व्रत का पढ़ा था अहिंसा अणुव्रत का पढ़ा था जब कि प्रमाद और प्रमाद के निमित्त से किसी के जीवो का प्राणघात नहीं होना चाहिए उसे कहते हैं अहिंसा व्रत है ना हमने प्रमाद प्रा, हिंसा हिंसा प्रमत्त संयोग तो प्रमाद के वशीवत होकर हमें किसी जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए तो ये है अहिंसा अनुव्रत ठीक है फिर ये झूठ नहीं बोलना आपने पढ़ा था हमने इससे मतलब चोरी नहीं करना काम या सेवा परिग्रह यानी मूर्छा परिग्रह जो हमने पढ़ा था वो मूर्छा परिग्रह परिग्रह के लिए हैं इनका स्थूल रूप से त्याग करना स्थूल रूप रूप से से मतलब मोटा मोटी यानी हम गृहस्थ में रहते हैं तो हमें गृहस्थी फॉलो करनी पड़ती है तो हम संपूर्ण रूप से इसका त्याग तो कर नहीं सकते जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घर में रहते हैं तो हमें भोजन भी बनाना पड़ता है हमें अग्नि भी जनानी पड़ती है हमें झाड़ू बुहारी भी करना पड़ता है तो ये सब काम हमारे आरंभ सारंभ में आते हैं आरंभ सारम्भ मतलब जो हम घर में गृहस्थी के काम करते हैं ओखली चूल्हा पानी पानी छानना भी पड़ता है नहाना धोना भी पड़ता है कपड़े भी धोने पड़ते हैं बर्तन भी तो इन सब चीजों में भी जीवों की हिंसा होती है तो हमें उसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए ताकि हमसे ज्यादा हिंसा ना हो हम पानी छाने उसकी बिलछानी बराबर डालें हम अग्नि का इतना उपयोग करें कि जिससे अग्नि का एक जीवों की ऐसा नहीं कि हमारा काम हो गया फिर भी गैस चालू है नल इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया फिर भी चालू है पानी का काम हो गया फिर भी नल बह रहा है तो हमें फालतू वेस्टेज इन चीजों का नहीं करना चाहिए ताकि इससे जीवों की हिंसा ना हो और झूठ भी ऐसे झूठ हमें अपने घर के कामों में छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ जाए लेकिन ऐसा झूठ ना बोले जिससे किसी की जान चली जाए या किसी को नुकसान पहुंच जाए या किसी का घर बर्बाद हो जाए या किसी की बहुत बड़ा नुकसान हो जाए किसी को तो ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए और इससे मतलब चोरी भी ऐसी कि छोटी मोटी अपने हस्बैंड के इसमें से हम ले सकते हैं पैसे लेकिन दूसरों के जेबों से नहीं निकाल सकते है ना इतनी छूट होती है हमको आचार्य ने दी है अपन लोगों को कि घर गृहस्थी के काम में हमारा कुछ चीज खत्म भी हो जाता हमारा नहीं भी रख, रखा हुआ है फिर भी हम बोल देते चीज खत्म हो गई है या फिर हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं तो भी हम थोड़े बहुत पैसे पांच का खर्चा हुआ तो हजार बता के पांच अपने जेब में डाल लेते हैं तो ये छोटे मोटे काम हम लोग करते रहते हैं तो उस चीज की छूट हमें इसलिए तो स्थूल रूप से लिखा हुआ है सूक्ष्म रूप से नहीं लिखा है है ना तो ये गृहस्थी में हमें स्थूल रूप से त्याग का दिया है और काम में भी जो मैथुन सेवा है उसमें आप अपनी पत्नी के साथ ही संतुष्ट रहेंगे यहाँ तक की सीमा दी है और दूसरों के पर पर पड़ता पर, स्त्री के साथ में रमण करना या वहाँ जाना आना ये चीज का त्याग होना चाहिए और अपनी स्व की स्त्री के साथ में ये परिग्रह इसमें काम में मैथुन सेवा में अपने स्व स्वदार संतोष व्रत इसे कहते हैं और ब्रह्मचर्याणु व्रत भी कहते हैं तो अपनी पत्नी के साथ में इसमें यह होता है कि अपने पति पत्नी के में वो संतुष्ट रहना चाहिए और मूर्छा परिग्रह में भी परिग्रह का परिमाण करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक करोड़ रुपए तो हम पचास लाख रखेंगे चलो पचास लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या दान दे दिया या लिमिटेशन रखेंगे कि हम एक करोड़ से ज्यादा नहीं रखेंगे भले ही हमारे पास दस लाख हो लेकिन लिमिटेशन कर लोगे भविष्य में कभी आ जाए तो तो हम ऐसे लिमिटेशन कर सकते हैं तो वो परिग्रह परिमाण व्रत है कि पूरे तरीके से आपको त्याग नहीं करना है आपको उसका लिमिटेशन बना के रखना है आप हाँ सौ साड़ियाँ रखेंगे हजार तोला सोना रखेंगे सौ तोला रखेंगे जितना भी आप लिमिटेशन कर सकते हो हर चीज का आपने एक लिमिटेशन बनाकर रखना चाहिए तो ये अनुव्रत की परिभाषा है जो हमें फॉलो करनी चाहिए तो इसमें दिया है हिंसा झूठ चोरी मैथुन और परिग्रह इन पांचों पापों का स्थूल रूप से त्याग करना अनुवरत है जो अनुव्रतों को धारण करते हैं वे नियम से देवगति में ही जन्म लेते हैं कहा जाते हैं देवगति में रिजर्वेशन पक्का नरक और मनुष्य गति में जन्म नहीं ले सकते जिन्होंने अनुव्रत को धारण कर लिया वो तो हम वैसे भी नहीं करते हैं हम लोग वैसे भी हिंसा जी संकल्प हिंसा नहीं करते कि जान के किसी को मार रहे हैं ऐसी चोरी नहीं करेंगे कि भाई हमें डकैती कोई कहे ऐसा झूठ भी नहीं बोलते हैं कि किसी की जान पे बन जाए है ना और अपन अपने अपने, अपने शादीशुदा रहते हैं अपने अपने घरों में सब संतुष्ट रहते हैं मूर्छा परिग्रह का भी इतना हमारा आडंबर नहीं होता कि बहुत सारा तो हम लोग अनुव्रति तो हैं लेकिन जब तक हम उसका नियम नहीं ले लेते अपने गुरुवरों से आचारशी लोगों से तब तक हम अनुव्रति कहलाते नहीं है जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना तो बैंक में हम रिकरेंट खाता है रोज जा रहे है रोज जमा कर रहे हैं तो उसमें हमें उतना ब्याज नहीं मिलता लेकिन हम अगर कोई एक लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर दे तो उसका क्या हो जाता ब्याज डबल हो जाता है ना ब्याज हमें फटाफट ज्यादा बढ़ के मिलने लग जाता तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है जैसे नियम होते हैं नियम आपने पूरे ले लिए उसमें लिमिटेशन आ गई तो आपको उसका पुण्य दस गुना ज्यादा लगने लग जाएगा इसमें जो त्यागी हो जाते हैं जो दो दूसरी प्रतिमा के धारी हो जाते हैं उनके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा 24 घंटे चलती रहती है वो झाड़ू भी लगा रहे हैं तो भी वो उनका ये उद्देश्य रहेगा कि हमारे से कोई जीवों की हिंसा ना हो वो खाना भी बना रहे हैं तो उनका ये रहेगा कि हमसे कोई जीवों की हिंसा ना हो तो वो कुछ भी काम करेंगे तो भी उनकी चौबीस घंटे हिंसा दोष उनको नहीं लगेगा और हमारा अगर नियम नहीं है और हमसे कोई जीवों की हिंसा नहीं भी हो रही तो भी हमारे कर्मों की कोई निर्जरा नहीं हो रही समझ में आ रही बात आपको तो जो नियम ले, ले लेते हैं उनको ये फायदा है जो जैसे कहता फिक्स डिपॉजिट कर लिया तो उसका ब्याज आपको दस गुना मिलने लग जाएगा और रिकरेंट हम रोज में भी नियम नहीं लिए फिर भी हम जीवों के हिंसा नहीं कर रहे हैं जैसे मुनि महाराज जी का है मुनि महाराज ने अः अहिंसा महाव्रत है वो और वो साथ जमीन देख चल रहे हैं वो चलते समय उनके द्वारा एक दो जीव मर भी जाएंगे लेकिन वो देख के चल रहे हैं तो भी उनको उसका पाप नहीं लगेगा और हम देखकर नहीं चल रहे हैं हमारे से कोई जीव नहीं मरे तो भी हमें बिना देखे जीवों की मारने के दोष लगेगा क्योंकि हमारा नियम नहीं है ठीक है तो ये फर्क पड़ जाता है अनुव्रति में महाव्रति में और हम जैसे जो हम नियम नहीं लिया क्योंकि मेरी भी कोई प्रतिमा नहीं है तो मैं भी सब आपके कैटेगरी में हूँ इसीलिए मैं अपने आप को भी उसी में रखती हूँ ठीक है ना तो वी हैव हाँ टू डू हमें कुछ करना चाहिए अब ये अहिंसाणु व्रत का लक्षण बता रहे हैं कि अहिंसाणु व्रत का क्या लक्षण है संकल्प मन त्रस् सत्वन नाह मणम निपुण फिर से देखिए संकल्पात कार मन नोग त्रयस्य चर सत्व नाहत बदाबद्वि रमणम निपुण अर्थात अब देखिए अहिंसाणु व्रत अहिंसाणु व्रत मतलब हिंसा नहीं करना सबसे पहले तो हम जाने हिंसा के कितने भेद होते हैं चार कौन से कौन से संकल्पी हिंसा उद्योगी हिंसा विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा उद्योगी हिंसा विरोधी हिंसा और आरंभी हिंसा आरंभी हिंसा है ना आरंभी हिंसा संकल्पी हिंसा विरोधी हिंसा और उद्योगी हिंसा ये चार प्रकार के हिंसा होते हैं तो हम लोगों का जो व्रत है जैसे अहिंसाणु व्रत है उसमें केवल एक हिंसा का त्याग होता है कौन से हिंसा का संकल्पी हिंसा का संकल्पी हिंसा यानी हम किसी भी प्राणी की जान जान नहीं लेंगे संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा या मैं इसकी जान ले लूंगा या मैं इस मच्छर को मार दूंगा ऐसे करके हम किसी की जान नहीं लेंगे दैट इज संकल्पी हिंसा मतलब जान के किसी जीवों की हिंसा हम नहीं करेंगे संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे दैट इज संकल्पी हिंसा उसका त्याग अहिंसाणु व्रत का होता है जो अहिंसाणु व्रत लेते हैं उनका संकल्पी हिंसा का त्याग होता है बाकी की जो तीन हिंसा है आरंभी हिंसा उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा ये तीन हिंसा का त्याग नहीं होता है लेकिन वो ध्यान पूर्वक इसमें काम करते हैं आरंभ करना मतलब खाना बनाना वो सब चीजें करेगा पूरी घर की क्रिया पूरे काम करेगा लेकिन वो ध्यान पूर्वक करेगा कि उससे जीवों की हिंसा ना हो उद्योग की हिंसा में भी वो ऐसा उद्योग करेंगे जिससे जीवों की हिंसा ना हो फॉर एग्जाम्पल वो uh, मांस वगैरह मटन वगैरह की इसकी दुकान नहीं लगाएंगे या शराब बेचने की दुकान नहीं लगाएंगे या चमड़े का व्यापार नहीं करेंगे ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिसमें अत्यधिक हिंसा हो ऐसा काम करेंगे जिससे हिंसा कम से कम हो और आरंभी हिंसा हो गया उद्योगी हिंसा हो गया विरोधी हिंसा विरोधी हिंसा में भी अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाएगा तो वो अपना बचाव करेंगे जान के किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे तो आप इसमें जो आचार्य बता रहे हैं व्रत का लक्षण संकल्पात कृत कारित मन नोक त्र चर सत्वान अर्थात संकल्प पूर्वक संकल्प पूर्वक कृत से कारित से मननाध्य मतलब अनुमोदना से और योग योग यानी मन से वचन से काय से त्रस त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे न हिनास्ती यत्तदाहु स्तूल वदाब्दी निपुणा उसे स्तूल रूप से इनका वध नहीं करेंगे ये नि, निपुणा मतलब इन्हें इंसानु व्रत कहते हैं या इंसानु का लक्षण है आहु मतलब कहते हैं कौन कहते हैं गंधर परमेश जी इन्हें ऐसा कहते हैं इसे इंसानु कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इनने नौ कोटि से कैसे कहते हैं ना जो कृतकारित अनुमोदना तीन और मन वचन का तीन थ्री थी, मल्टीप्लाई बाय थ्री क्या हो जाता है नाइन तो इसे नौ कोटि से हिंसा का त्याग कहते हैं नौ कोटि मतलब मन वचन का और कृतकारित अनुमोदना थ्री इंटू तो ये इन्होंने दिया है कि संकल पूर्वक, संकल कारित, मन्याद है ना ये मन्याद मतलब अनुमोदना तो कृत से कारित से ना स्वयं करेंगे कृत यानी करना कारित या कराना और मन्याद मतलब अनुमोदना करना और योग योग मतलब मन वचन काय तीन योग होते हैं ना मन वचन काय त्रय योग इन तीनों योगों से ना स्वयं करेंगे ना कराएंगे और ना किसी की अनुमोदना करेंगे मन वचन काय से संकल्प पूर्वक किसी जीवों की हिंसा नहीं करेंगे उसे कहते हैं अहिंसाणु व्रत ठीक है तो ये मन वचन काय को कृतकारित अनुमोदना से गुणा करने पर नौ भेद होते हैं जो इन नौ कोटि से संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा नहीं करते हैं वे स्थूल रूप से त्रस हिंसा से विरत होने से अहिंसा नहीं करते हैं वे स्थूल रूप से त्रस हिंसा से विरत होने से अहिंसा अणुव्रति कहलाते हैं गंडर देव इसे ही श्रावक का पहला व्रत कहते हैं क्या कहते हैं गंडर परमेश्री इसे निपुणा मतलब गंडर परमेश्री इसे कहते हैं श्रावक का पहला व्रत ठीक है तो ये अहिंसाणु व्रत हो गया अहिंसाणु व्रत में आपको सही समझ में आ गए चार प्रकार की हिंसा हमने बता दी हिंसा में कौन से कौन से चार हिंसा होती है उसमें संकल्प पूर्वक केवल त्रस जीवों की हिंसा के हम त्यागी अनुवृत्ति त्यागी नहीं होता है है ना नहीं संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी होता है बाकी तीन हिंसा का त्यागी नहीं होता है ठीक है अब ये जो अहिंसाणु व्रत कोई ने धारण कर लिया तो आप उससे कब अतिचार लग जाते हैं हमने उसमें भी पढ़े थे साठ अतिचार अपन ने पढ़े थे तत्वा सूत में भी है ना बारह व्रत पढ़े थे और बारह व्रतों के एक एक के पांच पांच अतिचार इस प्रकार साठ अतिचार हमने तत्वाड़ सूत में भी पढ़े थे तो यही अहिंसाणु व्रत के पांच अतिचार सबसे पहले तो हम जान लें अतिचार किसे कहते हैं है ना तो अतिचार इसमें आता है अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार ये चार भेद हैं अतिक्रम वतिक्रम, अतिचार अनाचार तो अतिक्रम किसे कहते हैं अगर आपके जैसे आपके मन में भाव हो गए आपने कोई नियम लिया कि मेरे को रात्रि भोजन नहीं करना है है ना आपने नियम लिया है गुरुवर से कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना है अब आपने नियम ले लिया अब आप कहीं काम में चले गए और आपको रात हो गई देर हो गई आने में घर और आपका भोजन नहीं हुआ भूख तो लग रही है तो आपके मन में भाव होगा कि मुझे भूख लग रही है मुझे भूख लग रही है मुझे भोजन करना है लेट होगा कोई बात नहीं मैं भोजन कर लूं तो ये आपके मन में आ गया तो आपने उसको व्यतिक्रम मतलब भाव आ जाना दैट इज व्यतिक्रम ठीक है अब भाव आ गए अपने मन में तो वो व्यतिक्रम हो गया <coughs> अब भाव आने के बाद आपने थोड़ा इंतजाम कर लिया फल फूल रबड़ी वगैरह थोड़ा सा कि भाई रात को हम कुछ खा लेंगे भले आपने चारों प्रकार से हार का त्याग कर दिया था लेकिन आपने इंतजाम कर लिया या फिर रोटी सब्जी रखी थी तो वही इंतजाम है कि भाई हम ये खा लेंगे तो व्यतिक्रम मतलब सामान जुटा लिया ठीक है पहले आपने भाव कर लिया फिर आपने सामान जुटा लिया तो अति अतिक्रम हो गया फिर उसके बाद अतिचार आप खा के ही देख लो ना थोड़ा सा भूख तो बहुत जोर से लग गई है तो हमने उसको थोड़ा सा खा लिया तो ये हो गया अतिचार अब उसके बाद रोज ही खाने लगता है एक दिन तो छूट गया अब नियम को भ्रंगी कर दो तो अब तो रोज ही खा लो एक दिन खा लिए तो अब रोज खा लो तो वो क्या हो गया अनाचार समझ में आ गया अति अतिक्रम, व्यतिक्रम अनाचार अतिचार और अनाचार तो व्यतिक्रम करने में जब हम भाव में मन लाते हैं तो पच्चीस का दोष लगता है अतिचार अतिक्रम कर लिया तो पचास परसेंट का दोष लग गया अतिचार कर लिया आपने खाई लिया एक बार तो पचहत्तर परसेंट और अनाचार कर लिया तो पूरा जीरो हो गया शून्य आपने पूरे व्रतों को छोड़ दिया तो ये हमें चार प्रकार से इसको ध्यान रखना चाहिए कि हम मन में भाव भी ना लाएं उसकी सामग्री भी ना जुटाएं फिर खाके ना देख लें और फिर रोज रोज उस व्रतों को तोड़ के पूरे से ही खराब ना कर दें अपने व्रतों को तो ऐसा ध्यान हमें लेना है तो ये अहिंसाणु व्रत के पांच अतिचार अब इसमें है कैसे अहिंसाणु व्रत के अतिचार लगते हैं ठीक है तो छेदन बंदन पीड़न मती भारा व्यति व्यती चारहा, आहार वाराण च स्थूल बदाब पंच फिर से देखिए छेदन बंदन पीड़न मती भारोपणम व्यतीचारा आहार वाराण च स्थूल बदाब उपहर पंच ठीक है तो इसमें दिया आचार्य ने छेदन बंधन पीड़न मतिभार आरोपणम व्यतिचार आहार वारणापिच स्तूल वदाप्त उपरते पंच ठीक है तो हमें किस चीज में दोष लगता है जो अनुवृत्ति है इंसानुवृत्ति उसका किस चीज में दोष लगता है छेदन करना जैसे कहते हैं ना नाक कान छिदाना तो जो श्रृंगार के रूप में करते हैं कि कोई लड़की अपने नाक कांसारी उसमें दोष नहीं लगता क्योंकि वो तो अपने स्वेच्छा से करते हैं ना और सामने वाला भी कराता है या करता है तो उसे दोष नहीं है जो अब अप अपने आप से करे लेकिन हाँ जो गाय बैल आदि हैं उनके पैरों में ठोकना या नाल ठोकना घोड़ों के इसमें या नाक में कुछ डालना या बंद कर देना आंख वाक तो वो छेदन बंधन पीड़न है बंधन मतलब बांध के रख देना खूटे से बांध के रख देना बेचारे हिलडुल भी नहीं पाते हैं जा भी नहीं पाते कहीं तो ये पिंजरे में रख देना पिंजरे में पक्षियों को बंद करके रख देना तो वो बंधन हो गया पीड़न मतलब पी, पीटना उनको बिचारों के ऊपर खूब सारा भार ला दिया फिर उनको मार मार के चाबुक मार मार के चला रहे अति भारा रोपणा मतलब जैसे एक टन वजन बैलगाड़ी में रखना चाहिए बेल्ट ढोएगा तो डेढ़ दो टन रख दिया तो वो कैसे बेल्ट होएगा और ऊपर से उसको मार मार के चला रहे हैं ना तो अति भारा रोपणम अतिचार है ये क्या है अतिचार छेदन बंधन पीड़न अति भार और आहार पिछा। और उनको भोजन भी नहीं देना समय पे बिचारो को जैसे कोई नौकर चाकर भी आपके यहाँ काम करते दस बजे का टाइम है बारह बजे का टाइम खाना खा ले नहीं नहीं आप पूरा काम कर लो पांच बजे देंगे चार बजे देंगे भोजन तो ये भी आहार वारणापिच भी अतिचार है कि उसको दुख पहुंचेगा तो आहार वाणी या आपके यहाँ घर में जानवर है गाय है उनको भी खाए है भूसा वगैरह जो उनको देते हैं वो समय पे उनको देना चाहिए तो ये आहार वारणापी मतलब खाना खाते समय या उनको समय पे ध्यान रखना चाहिए या दो नौकरते एक नहीं आया तो उसका पूरा काम एक से तुम पूरा काम करो फिर जाना जाने नहीं देंगे अब तुम घर पर पूरा काम करो फिर खाना देंगे तो इस तरीके से नहीं करना ये अहिंसाणु व्रत का अः अतिचार है स्तूल बदाबते पंच ये अतिचार है किसके अति चाह रही है अहिंसाणु व्रत के सबसे पहले तो हिंसा में हमने पढ़ा था चार प्रकार की हिंसा तो पढ़ ली लेकिन दो प्रकार की और हिंसा है कौन सी हिंसा है द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा तो द्रव्य हिंसा क्या है किसी के प्राणों का घात कर देना है ना किसी के जान ले लेना दस प्रकार के प्राण होते हैं हमने दस प्राण पढ़े थे तत्व सूत्र में आपको बताया था दस प्राण कौन से कौन से दस प्राण पढ़े थे मन वचन काय पांच इंद्री और तीन बल है ना तीन बल भी पड़े थे ना मन बल वचन बल काय बल है ना और पांच इंद्रिया पड़े थे पांच इंद्रियों तीन बल आठ और आयु और सांचो श्वास है ना तो ये दस प्राण पड़े थे तो इन दस प्राणों का घात कर देना ये है द्रव्य हिंसा ठीक है और भाव हिंसा किसे कहते हैं किसी को दुख पहुंचा देना आपने किसी की इंसल्ट कर दी किसी का दुख पहुंचा दिया किसी का मान भंग कर दिया और आप खुश हो गए और सामने वाला दुखी हो गया तो वो भाव हिंसा है आपने उसको मारा नहीं कहते ना गोली से नहीं मरता इंसान लेकिन बोली से मर जाता तो आप ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे किसी को दुख हो जाए किसी को कष्ट पहुंचे आपने उसको दुख पहुंचा दिया तो आपने उसके भाव हिंसा कर ली वो ऐसे नहीं मरा ऐसे मरा तो आपको भाव हिंसा का दोष उसमें लग जाएगा तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा ये ध्यान रखना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर भी गोली चढ़ाता है और ए, डॉक्टर भी चक्कू चलाता है और डाकू भी चक्कू चलाता है तो डॉक्टर क्यों चक्कू चलाता है ऑपरेशन करने के लिए दूसरे की प्राण रक्षा करने के लिए उसका इंटेंशन क्या होता है प्राणों की रक्षा हो जाए पेशेंट की और जो डाकू चक्कू चलाता है दूसरे की जान लेने के लिए उसके प्राण लेने के लिए अगर डाकू से वो मरा भी नहीं तो भी उसको सजा हो मौत होगी क्यों क्योंकि उसने उसके प्राण लेने की कोशिश की थी और जो डॉक्टर चलाता है चक्कू उसके हाथ से पेशेंट मर भी जाता है तो भी उसको सजाए मौत नहीं होगी क्योंकि उसका इंटेंशन मारना नहीं था उसका इंटेंशन क्या था बचाना तो ये भावों की बात है कि आपका इंटेंशन क्या है मारने का है या बचाने का है अगर आपके मारने के भाव हैं तो आपको पाप लगेगा हिंसा का और आपके बचाने के भाव हैं और आपके द्वारा कोई जीव की हिंसा हो भी जाती है तो भी आपको पाप नहीं लगेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घर में काम करते हैं ना गेहूं चावल का भी गुण लग जाती है तो हमारा इंटेंशन ये नहीं होता कि जीव मर जाए हम तो छानते हैं और अगर कदाचित वो उसमें कोई जीव रह जाए और वो पिस जाए और मर जाए तो हमें उसके दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा भाव उनको मारने का नहीं था हमारा भाव था कि हम चलने से चाल के इनको अलग कर देंगे तो हमारे इंटेंशन क्या है उससे हमें भाव लगाम हम जानबूझकर अगर मच्छर को मार देंगे तो इसमें तो संकल्प पूर्वक हमने उसकी हिंसा कर दी कदाचित किंचित कभी कोई जीवो की हिंसा हो जाए तो उससे दोष नहीं लगता आचार्य रखेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है मैंने अब आप लोग को, को कोई क्वेश्चन है लास्ट के 7 मिनट्स अच्छा सुनीता भी आई है <laughs> Uh, मैम एक द्रव्य हिंसा को क्लियर कर दीजिए प्लीज हाँ द्रव्य हिंसा जब दस प्रकार के प्राणों से अगर किसी जीवों का खात करते हैं ना तो उसे द्रव्य हिंसा कहते हैं दस प्राण कौन से होते हैं पहले तो आप पांच इंद्री ले लो मान एक इंद्री है ना आ, आ, चक्षु इंद्री कर्ण इंद्री बोलते हैं ना पांच इंद्री होती है, इंद्री, 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 इंद्री है मन बल वचन बल और काय बल और आयु और स्वाचोस इसे कहते हैं दस प्राण ठीक है तो हम जो संगी पंच हमारे कितने प्राण होते हैं दस प्राण आप एक इंद्री लोगे तो एक इंद्री के कितने प्राण होंगे हमने पढ़ा था एक इंद्री के कितने प्राण होंगे एक, 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 एक इंद्री का, का केवल उसके पास इंद्री कितनी है एक इंद्री है एक, एक, और बल, एक, बल कित्ते आ है, मन बल है।, है।, है क्या उसको नहीं है वचन बल है क्या उसको नहीं है केवल काय बल है केवल शरीर है ना उसके पास वचन बल भी नहीं है और मन बल भी नहीं है है ना और आयु है और स्वाचो है चार तो एक इंद्री के कितने प्राण हो गए चार प्राण चार और दो इंद्री वाला आ गया तो चार में एक इंद्री बढ़ गई है ना और वचन बल भी बढ़ जाता है क्योंकि उनको आवाज आती है मतलब बोलते तो वचन बल बढ़ जाता तो दो, दो इंद्रिके कितने प्राण हो गए छह प्राण दो दो है दो दो ना फिर तीन इंद्रि वाले दो दो का कितने हो गए एक इंद्रि बच जाए बन बढ़ जाएगी उसमें तो कितने हो गए सात प्राण है ना तो सात प्राण आपने जितने जो जीव की हिंसा करोगे उतने प्राणों का आपका दोष लगेगा तीन इंद्रिय जीव को मारा तो उसके सात प्राणों का घात कर दिया आपने और चार इंद्री हो गए तो आठ प्राणों का घात कर दिया क्योंकि अभी मन नहीं आया संगी पंचेंद्री में ही मन आएगा है ना अभी आपका मन नहीं आया चौथे चार इंद्री जीवों में अभी केवल आठ प्राण हो गए है ना चार तो उसकी इंद्री हो गई एक मन वचन बल हो गया काय बल हो गया आयु हो गई और श्वासोस हो गया आठ प्राण हो गए असंगी पंचेंद्री है उसके नौ प्राण होंगे क्योंकि पंचेंद्री एक इंद्री बढ़ गई लेकिन अभी नहीं। मन नहीं आया क्योंकि असंगी है असंगी पंचेंद्री है ना तो अभी मन नहीं आया इसीलिए दसवा प्राण कब आएगा जब मन बल आ जाएगा तो दस प्राण तो अगर आप संगी पंचेंद्री जीव की हिंसा करते हो तो आप दस प्राणों का घात करते हैं समझ में आई तो ये द्रव्य हिंसा क्या है संकल्प पूर्वक आपने किसी जीवों की हिंसा कर दी तो दस प्राणों से उसका घात कर दिया ठीक है तो ये दस प्राण है तो आप अपन बोलते man. ना प्राण किसे कहते हैं तो हम कहते हैं प्राण ले लिए तो ये दस प्रकार के प्राण होते हैं जिसमें स्वांचो श्वास भी आता है आयु भी घात करते थे हम उनकी पांचों इंद्रियों का घात करते थे तीनों बल का घात करते थे मन बल बचन बल काय बल समझ में आया थैंक यू अच्छे से और किसी को कोई क्वेश्चन है मैम जैसे जब जैसे जल छानते हैं अपन हाँ चरनी वो थैली बांध देते हैं वो कई दिन तक बंदी रहती है उसमें हाँ? भी तो हमें दोष है ना हाँ। पक्का दोष लगता, लगता है ना, लगता लगता ना। दोश उसमें निकाल के सुखा देना रोज चाहिए रोज के। निकाल के सुखा तो देना चाहिए लेकिन नहीं करते रहती है हाँ तो गलत है दोष लगता है धोखे सुखा देना चाहिए उसमें तो चिपकापन भी आ जाता है ना गंदगी होती है इससे नुकसान मैं हो। मैंने तो सुना है जैसे हम लोग अगर पानी छानते हैं तो छन्ना निकाल के तुरंत ही उसको मतलब रिलीज कर देना चाहिए तुरंत छान लेना चाहिए कपड़ा धो के तुरंत हाँ, हाँ, देना सुखा देना चाहिए और तो, हाँ, हाँ, तो तो, नल हाँ, में देते हाँ, के लिए वो तो वापस तो जा नहीं सकती या वो अपने वो लगे उसमें नहीं तो सिंक में डाल देना हाँ तो सिंक में भी डाल दिया तो पानी वहीं पहुंच गया ना नल में नल का पानी में चला जाएगा वही पानी पहुंच में चला जाएगा आराधना हाँ, अर्चना कोई क्वेश्चन है हाँ जी बोलिए बोलिए ये अतिक्रमण ये अतिक्रमण अनाचार तो ये चार क्या ये अतिचार है ये भी अतिचार, हाँ, ये दो ये दो थी थी अतिचार आ, है ये दोष है ये दोष है जो हमारे व्रतों में लगते हैं अतिक्रम अतिक्रम अतिचार अनाचार चार प्रकार से दो हमारे व्रतों में ठीक है हमने भाव कर लिया भाव कर लिया तो व्यतिक्रम और लेके आ गए सामान जुटा लिए अतिक्रम और एक बार खाके देख लिए अति 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 ना ना चार, ना चार। अतिचार और रोज रोज खा लिया अनाचार ठीक है अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार चार, चार प्रकार से हम अपने व्रतों में दोष लगाते हैं अतिक्रम व्यतिक्रम अनाचार अतिचार अनाचार अतिचार अनाचार अतिक्रम व्यतिक्रम अनाचार ठीक है नाम प्रमाद का मतलब तो होता है प्रमाद ना... मतलब हमने कषाय पूर्वक कषाय पूर्वक किसी जीव की हिंसा कर दी हमारे प्रमाद से कषाय पूर्वक प्रमाद के भी मैंने आपको पंद्रह भेद बताए थे आप भूल गए हो पंद्रह भेद कौन से थे चार कषाय पांच चार विकथा चार कषाय पांच इंद्री ये ना पंद्रह निद्रा और स्नेह ये पंद्रह भेद थे प्रमाद के तो प्रमाद पूर्वक हम इनके कारण जीवों की हिंसा कर देते कभी कषाय पूर्वक मार देते किसी जीवो को कभी इंद्रियों की मतलब लोप पूर्वक मार देते हैं तो हम जो चीज करते कभी आ, कोई प्रमाद से ये सब चीजें प्रमाद में आ जाती है निद्रा भी प्रमाद में नींद के वशीभूत होकर कर देते स्नेह की वशीभूत होकर जीवों की हिंसा कर देते तो ये सारे प्रमाद में आ जाता है पंद्रह प्रकार के प्रमाद होते हैं है ना दोष लगता है ऑल आउट वगैरह हाँ लगता है आंटी लेकिन अपनी सेफ्टी से है वो से विरोधी हिंसा भी दे दे है ना अपनी सेफ्टी के लिए, से से लिए, से के लिए, लिए अपन करना ही पड़ता है क्या करोगे लिए। सब करते हैं चलो आखिरी का एक मिनट है जिनवाणी सुधी करेंगे जावाणी के ज्ञान से सुजो का लोक सो मस्तक नमो सदा दे तो लोक हे जिन वाणी पाटी तोय बोले शरणा दे सो पावे सुख दे बजो अरियंत को गुरु से ओ निर्गंद या धर्म पाले सदा यही मोक्ष का पंथ जिन माता की जय बोले साहब जिन माता की जय जिनेन जय सभी को नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए जय जिनेन जय जिनेन जय सबको समझ में आ गया आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया <San>